40 महीने आई थी, 40 मंथ्स आई थी, इट टेक्स टाइम टू ग्रो, 40 मंथ्स, 40 महीने तक ये प्रोसीजर होता है और वो धूप में रहता है, घनी धूप में रहता है, मीन लाइक धूप एकदम प्रकाश में रहता है, वो एकदम ऊपर ना तो कुछ उसको शेड नहीं रहता है, वहाँ पे अकेला रहता है, अकेला रहता है और वो ऊपर ही रहता है। जब ये 40 महीने जो है ख़त्म हो जाता है, उसे एक आखिरी चीज़ करना पड़ता है, जिसके बाद उसके सारे जो बदन के जो भी चीज़ें हैं वो रिन्यू होते हैं स्लोली स्लोली, नए पंख आते हैं, उनके क्लॉज, उनके जो पंछी है वो अच्छे होते हैं, उनका बीक जो है, चोच जो है वो वापस आता है। 40 महीने के बाद ईगल जो है ऊपर बैठा रहता है और पानी की तरफ देखता है, और 40 महीने के बाद वो पानी की तरफ देखता है और पानी में जाकर, पानी के अंदर घुसकर, पानी से बाहर जब निकलता है, उसका पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है, वो पूरा नया हो जाता है, उसको पूरा नया सामर्थ्य मिलता है और वो पूरे नई रीति से उड़ने लगता है और पूरा जोश आता है और 40 साल के लिए वो जीता है। ये ईगो, ये क्यों बता रहा हूँ आपको, पता है वो जो पानी में जाकर वापस आना बाहर ना, उसको क्या कहते हैं पता है आपको, न्यू बर्थ, फिर से जन्म लेना, फिर से जन्म लेना। जब आप यीशु मसीह में अंदर जाते हैं, गाड़े गए ना हम यीशु मसीह के साथ, हम सूली पे थे, हमारा जो पाप वगैरह सब सूली पे चला गया था, गाड़े गए हम यीशु मसीह के साथ, फिर से जिंदा हुए हम यीशु मसीह के साथ, हमारा क्या हुआ, नया जन्म, दोबारा जन्म और नई ताजगी, नई फुर्ती, क्या बोलते हैं, तंदुरुस्ती हम में आ गई। ये ईगल के जैसे है ना, आखिरी में एक पापा था और एक छोटा लड़का था, किसका बेटा, किसका बेटा, एक पापा था। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब कुछ आपको बताने के बाद भी लोग ये नहीं करेंगे, लोग बीमारी में रहेंगे, कितने जन बीमारी में रहेंगे इसके बाद, कितने जन बीमारी में रहेंगे, कितने जन बोलेंगे सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, बदन दुख रहा है, कितने जन बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा ना, आप बोलोगे, बोलोगे क्या दुख रहा है, सर दर्द हो रहा है, सब ठीक हो गया ना, हाँ। एक पापा था और एक बच्चा था, माँ तो गुजर गई थी, वो बच्चा जो था पापा के बहुत करीब था, बहुत पसंद करता था वो पापा वो बच्चे को। एक बार ये बच्चा जो है बाहर खेलने के लिए गया, खेलते 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 ऐसा कुछ हुआ वहाँ पर जो एक बड़ा सा डिजास्टर हो गया और वहाँ पर एक बच्चा मर गया, एक बच्चा वहाँ पर मर गया। उस बच्चे के शरीर जो है इसी बच्चे के जैसे था, इसी बच्चे के जैसे था, और किसी ने इस बच्चे को वहाँ से किडनैप करके लेकर गए थे, और पापा को ऐसे लगा कि ये जो डिजास्टर में है या ये जो घटना पे है, मेरा ही औलाद जो है, मेरा ही जो बच्चा है वो मर गया। उसने वो बच्चे को लिया, उसको जला दिया, जो भी दफना दिया वगैरह, उसके आशीष जो है आशीष राख संभाल के रखे एक कटोरी में और अपने पास रखा, इसे अपने पास रखा, और दिन भर ये पापा जो है वो रोता बैठता था, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, दिन भर रोता था वो राख को देखकर। क्यों? क्योंकि उसका बेटा मर गया था और उसका राख जो था इसमें था। सब लोग हैं यहाँ पर मेरे साथ, है ना, उसका राख जो था इसमें था, पर ये लड़का जो है वहां से किडनैपर जो थे उनके चंगल से हाथों से चूर जाता है और वो भागते भागते दरवाजे के पास आ जाता है और दरवाजे पे खटखटाता है, बोलता है पापा पापा दरवाजा खोलो मैं आ गया। ये पापा राख लेकर रोते बैठते, मेरा बेटा, मेरा बेटा, और वो चिल्ला रहा पापा पापा दरवाजा खोलो मैं आ गया, मैं आपका बेटा हूँ। इनको विश्वास नहीं हुआ, क्यों, उन्होंने खुद के हाथों से अपने बेटे को
जलाकर राख बना दिया और उनके सामने उनका बेटा है और वो खटखटा रहे, पापा पापा मैं आपका बेटा हूँ। फाइनली वो बेटा छोड़कर चला जाता है, निकल जाता है और ये पिता किसी राख के साथ बैठता है कि ये मेरा बेटा है, जब उनका असली बेटा जो था दरवाजे के बाहर। एक बात बताऊँ आपको, आज जो सच्चाई मैंने आपको बताया ना आपके शरीर के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में, आपके ये नई सृष्टि के बारे में, बहुत सारे जन ये नहीं करेंगे, फिर से गरीबी में, फिर से बीमारी में रहेंगे, फिर से अपने ही बलबूते पे परमेश्वर की चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। यही राख लेके और अगर आप बैठोगे ना जिंदगी भर रोएंगे। दरवाजे पे खटखटा रहा है आपके मिरेकल का चमत्कार, दरवाज़ा खोलने की देर है। एक बार आपने दरवाज़ा खोल दिया ये सच्चाई को जो आज मैंने आपको बताया, एक बार आपने दरवाज़ा खोल दिया और इस सच्चाई को ग्रहण कर लिया, आपके साथ शैतान खिलवाड़ नहीं कर सकता, आपके साथ आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता, आपकी ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। चमत्कार पे चमत्कार होते रहेगा, होता रहेगा। इस राख के साथ मत बैठो, इस राख में कुछ नहीं रखा। आपका असली बेटा जो है, आपका असली हैसियत जो है, आपका असली जो क्या बोलते ज़िंदगी जो है, वो इस सच्चाई में है। आज अगर आप दरवाज़ा खोलोगे आपके दिलों का, ये सच्चाई को ग्रहण करोगे, फिर आपके जीवन में चमत्कार पे चमत्कार होगा। वरना अगले संडे आकर फिर वो पता चलेंगे कि आपके जीवन में फिर भी बीमारी है, फिर भी गरीबी है, फिर भी डर है, फिर भी ये सब कुछ। ये सच्चाई ग्रहण करने का, दरवाज़ा खोलने का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस राख को छोड़ दो, इस राख को फेंक दो जो आज तक आपने रखा है संभाल कर, परमेश्वर से को अपना। यीशु मसीह ने क्या कहा, बच्चों के जैसे हो जाओ, बस वैसे ही हो जाओ। यीशु मसीह के हाथ में, यीशु मसीह सब कुछ आप। आई डोंट थिंक दैट फॉर्मेशन इज करेक्ट, बट स्टिल बेहतर यह है कि एक आदमी दो बार जन्मे और एक बार मरे, इससे कि वो एक बार जन्मे और दो बार मरे। समझ में आया सबको? yes. क्या समझ में समझ में आया सबको? जोर से पढ़ो सबको, सब लोग पढ़ो जोर से। किसको नहीं समझा? बेहतर है कि एक आदमी जो है वो दो बार जन्मे, एक जब वो अपने माँ के कोख से जन्म लेता है, दूसरा जब वो दोबारा जन्म लेता है यीशु मसीह को अपनाकर। ऐसा बंदा जो है वो एक बार मरेगा, पर यदि एक बंदा जो है वो एक बार जन्म लेता है और यीशु मसीह को अपनाता नहीं है, बॉर्न अगेन नहीं होता है, वो दोबारा जन्म नहीं लेता है, दो बार मरेगा, एक यहाँ पर और दूसरे अनंत काल में नरक में, नरक में मरेगा वो, दो बार वो मरेगा। तो बेहतर यही है कि हम दो बार जन्म ले और एक बार मरे, इससे कि हम एक बार जन्म ले और दो बार। तो हम लोग क्या है, हमारा दो बार जन्म हुआ कि नहीं? सबका हुआ ना? तो सब पिछले जन्म में विश्वास करते हैं, हमारा पिछला जन्म था ना, और अभी हमारा फिर से दोबारा जन्म हुआ, ठीक है? चलो एक बात गौर से सुनो, ये जो आप ले रहे हो ना, ये जो खा रहे हो, ये लहू है यीशु मसीह का, जो हमारे पापों के लिए बाहर है। ये जो है, ये क्या है? सब लोग बोलो, ये क्या है? यीशु मसीह ने देखा, यीशु मसीह का क्या है? किस चीज के लिए? आपकी आत्मा के लिए, आपके जीव के लिए, या किस चीज के लिए? आपके शरीर के लिए, ये अंग के लिए। ये किसने बनाया? यीशु मसीह ने बनाया आपके अंग को इसके लिए। यीशु मसीह का बदन तोड़ा गया ताकि आपका बदन जुड़ा रहे। क्या बात है, क्या बात है,
तंदुरुस्त रहे। इसके बाद ये खाने के बाद एक बात बताओ, आपको आपका शरीर वही का वही नहीं रहना चाहिए, थकान के लिए कोई जगह नहीं है, हाँ बीमारी के लिए कोई जगह नहीं, सर दर्द, प्रेशर, हार्ट अटैक, हाँ शुगर प्रॉब्लम, किसी चीज के लिए कोई जगह नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मीठा खाते जाओ इसके बाद, ठीक है चलो सब आके बंद करो अभी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी ये नए जन्म के लिए, ये नए जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है खुदावन परमेश्वर। पिता इस वक्त जो पाप जो गलती हमसे हुई वो ये थी कि हमने अपने नए जन्म के अधिकार को नहीं जाना कि नई सृष्टि में हम कौन है खुदावन परमेश्वर। पिता हमें उन बातों के लिए क्षमा कर कि आज तक हम उन सारी परेशानियों में, बीमारियों में, तकलीफों में जीते आए खुदावन, जो आप कभी नहीं चाहते थे कि हम रहे। खुदा हमें क्षमा कर, इस वक्त माफ़ कर खुदा, और हम चाहते हैं कि फिर एक बार पवित्र आत्मा हमें ज्ञान और बुद्धि दे, हमें समझ दे कि हम अपने नए जन्म को, अपने नए अधिकार को, अपनी नई सृष्टि को हम समझने पाए खुदावन परमेश्वर। प्रभु जैसे हम इस रोटी में भाग लेंगे, जैसे उस शरीर को जो तेरे, जो हमारे लिए तूने तोड़ा, जैसे इस शरीर को हम खाएंगे, पिता विश्वास करते हैं कि हमारे अंदर, अगर हमारे बीच में कोई भाई बहन बैठे हैं जिनमें बीमारी है, विश्वास करते हैं कि उनकी बीमारी इसी वक्त चली जाएगी यीशु के नाम में, और हम बाकी के लोग हमेशा दैविक स्वास्थ्य में बने रहेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस प्याले के लिए, विश्वास करते हैं कि जैसे हम इस प्याले में भागीदार होंगे, जैसे तेरे लहू को हम पिएंगे, विश्वास करते हैं खुदावन परमेश्वर कि हमें वो नया जीवन, वो जोए लाइफ, वो जीवन जो परमेश्वर का जीवन है वो हमें बहने लगेगा, वो जीवन जिसमें कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, वो जीवन हमें बहने लगेगा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस रोटी के लिए और इस लहू के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता उस कुर्बानी के लिए जो आपने हमारे लिए उस क्रूस पर दिया, धन्यवाद के साथ प्रभु जी इसे समझकर अपने अधिकार को जानते हुए हम इस रोटी में भाग लेते हैं और इस प्याले को पीते हैं।
परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद ये सच हमें बोलने के लिए, हमें हमसे बातें करने के लिए पिता परमेश्वर, इस सच के बारे में कि आपने बहुत ऐसे बड़ा महान कार्य किया था जब अपने हमने यीशु मसीह को अपनाया और हम आधे सच से हमारा जीवन जी रहे थे पिता परमेश्वर, हम फिर भी व्याकुल थे पिता परमेश्वर, हम फिर भी निराश होते थे पिता परमेश्वर, फिर भी डर का आत्मा हम में था, पर आपने हमें डर का आत्मा नहीं दिया था पिता परमेश्वर, हमने हमें आपने ये शरीर नहीं दिया था पिता परमेश्वर कि हम इस शरीर में बीमार रहे पिता परमेश्वर, पर आपने हमारे साथ ऐसा ही बदलाव किया पिता परमेश्वर कि पूरा जान जिस्म और रूह पूरा बदल दिया पिता परमेश्वर, इस जान में भी आपने ऐसे, इस जिस्म में आपने ऐसे तंदुरुस्ती दिया पिता परमेश्वर, ऐसी ताजगी दिया पिता परमेश्वर कि हम चलते जाते आपके राहों पर पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह इस सच को ऐसे इस तरीके से हमारे जीवन में बैठने दो कि हम ये सच को माने पिता परमेश्वर, इस सच में चले पिता परमेश्वर, और इस सच के आधार पर लोगों को भी ये दिखाए पिता परमेश्वर, ये रोशनी फैलाए पिता परमेश्वर, ताकि हम दूसरे लोगों के ऊपर जब हमारा हाथ रखे पिता परमेश्वर वो भी तंदुरुस्ती से भर जाए पिता परमेश्वर, वो ही यही सामर्थ्य यही जीवन से भर जाए, वो जोए लाइफ से भर जाए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद इन सुंदर लोगों के लिए, धन्यवाद इस नए जन्म, इस दूसरे जन्म के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के मीठे प्यारे और जलाली नाम में मांगते सुना स्वीकार के, आमीन।